अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो कनाडा वर्क परमिट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ डेट्स करीब आ रही थी और कुछ नई अपडेट्स थी जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहें। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जनवरी 2024 से जो कनाडा में वर्क परमिट्स की डिमांड है वो बढ़ गई है। लीमिया का प्रोसेस इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है और प्रोसेस के दिन कम कर दिए हैं, कोटा जो है वो बढ़ा दिया है। चूँकि इंडिया के साथ थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसकी वजह से पाकिस्तान का भी थोड़ा कोटा बढ़ गया, जॉब्स बढ़ गई हैं। अभी इस वक्त पोजीशन ये है कि जिन कंपनीज़ ने जनवरी में हायरिंग करनी है या फरवरी में हायरिंग करनी है, उन्होंने अभी से जॉब्स अनाउंस करनी स्टार्ट कर दी हैं, जो कि जॉब बैंक के ऊपर भी आ रही हैं, canada.ca के ऊपर भी आ रही हैं और जो डिफरेंट इनके जॉब पोर्टल्स हैं, लिंक्डइन है, उसके ऊपर भी आ रही हैं। तो इनके जितने भी प्रोविंसेस हैं, उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट है जनवरी की और फरवरी की, वो उन्होंने वेबसाइट्स के ऊपर डालनी स्टार्ट कर दी हैं। तो जो लोग कनाडा वर्क परमिट में सीरियस थे और अप्लाई करना चाह रहे थे, और उससे पहले मैंने वीडियो में सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ख़ुद अप्लाई करें, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत पड़े, तो आप ऑनलाइन ख़ुद अप्लाई करें, इस प्रोसेस में आएँ। अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, आपकी जो एजुकेशन है कम अज़ कम मैट्रिक है, या अंग्रेज़ी आपकी अच्छी है, अंग्रेज़ी में आपने आइट्स किया हुआ है और 4.5 बैंड जो बेसिक बैंड्स हैं वो अगर आपने लिए हुए हैं, तो फिर कोशिश करके ज़रूर देखें। कनाडा में जो हायरिंग होनी है जनवरी में, उसके लिए जॉब्स अनाउंस होना शुरू हो गई हैं, डिफरेंट किस्म की जॉब्स आ रही हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब आ रही हैं, ड्राइवर्स की, इलेक्ट्रिशंस की, प्लम्बर्स की, फार्म वर्कर्स की, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लेबर की बड़ी सारी जॉब्स निकल के आ रही हैं। तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ और वहाँ पर देखें डिमांड्स को, किस किस जॉब की है, उस जॉब के मुताबिक अपनी CV बनाएँ, अपना कवर लेटर बनाएँ और कवर लेटर बना के इन कंपनीज़ के अंदर आप अप्लाई कर दें। क्योंकि अभी इस वक्त जो लोग नवंबर और दिसंबर में अप्लाई कर देंगे और जनवरी की या फरवरी की हायरिंग के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए ज़रा चांसेस ज़्यादा हैं मेरे ख्याल में, कि बजाय इसके कि आप जनवरी में जाके अप्लाई करें। और जनवरी की तो हायरिंग है, जनवरी में तो हायरिंग हो रही है, उससे पहले जो उन्होंने असेसमेंट करनी होती है, जो शॉर्टलिस्ट करना होता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करने होते हैं, एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर करना होता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करने होते हैं, आपसे आइट्स रिक्वायर करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आप अभी से कर सकते हैं। आप अभी से जॉब्स अप्लाई कर देंगे तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो इसके लिए जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, नवंबर और दिसंबर बड़ा ही अच्छा टाइम है, ख़ुद ही आप आराम से इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इसके लिए अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए या हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, कॉल करके आप मज़ीद रहनुमाई भी ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।